अपने अंदर से अपने आप को हसीन बनाना कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहें, तो लोग ये कहें कि यार मैं इसके साथ इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि यार ये पैसे अच्छा देता है। लोगों को कायल करना, मैं इसके साथ इसलिए काम कर रहा हूं यार इसके साथ ग्रोथ बहुत है, इसके साथ सीखने को बहुत मिलता है, चैलेंज बड़ा है इसके साथ, बहुत मजा आता है इसके साथ चलने के अंदर। अपनी शख्सियत को उन लम्हात में लेके जाओ, उन ग्राइंड्स में लेके जाओ, उन महल में लेके जाओ जहां पे तुम्हारा नफ्स चीखे मार दे, उन कंफर्ट जोन और कन्वीनियंसेस को छोड़ोगे, देखना तुम्हारे अंदर ऐसी एक इमामत आना शुरू हो जाएगी कि तुम बात करोगे और लोग बैठ जाएंगे वहां पर। बाकी सफर ये लंबा है, इसकी लेक्चर शॉप्स भी बहुत लंबी हैं, इसकी वर्कशॉप्स भी बहुत लंबी हैं। अगर जिंदगी के अंदर वहां तक पहुंचना है जहां वाकई तुम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो लोगों के दिलों में, तुम एक तूफान खड़ा कर सकते हो लोगों के दिलों में, तुम लोगों के दिलों के अंदर वो इनकलाब पैदा कर सकते हो कि वो कम पैसों में तुम्हारे साथ काम करें, कम पैसों में तुम्हारे लिए वॉलंटियर करें, छोटी सी कंपनी को पाकिस्तान के बड़े रैकेट्स के ऊपर फाइल करना अगर तुम चाहते हो, तो सबसे इन उसूलों के साथ जिंदगी जीना कि गया हुआ वक्त हाथ नहीं आता, दिस इज योर टाइम। फजूलियात के अंदर वक्त जाया करना है, आगे जाके छोटी छोटी चीजें कहां काम आती हैं आप सोच नहीं सकते, कहां कहां पर कौन सा बीज लगाया हुआ है वो कहां कहां पर कैसे जवाब देता है पता नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद एक छोटा सा बीज था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने एक दफा दूध मांगा उनसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने दूध नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं मालिक से पूछे बगैर नहीं दूंगा। छोटा सा बीज था, अबू बकर के साथ जा रहे थे, छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, आगे जाके अब्दुल्ला बिन मसूद कितना बड़ा आलिम दीन, कितना बड़ा फिक का इमाम और फिर गवर्नर बने। तो अपनी जिंदगी में ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करता रहे और फोकस रखे अपनी मंजिल के ऊपर, अपने दुश्मनों को एनालाइज करे, वो जिंदगी जिसमें बिल्कुल ही कोई दुश्मन नहीं है ये भी कोई जिंदगी है, इसका मतलब है तेरे कलेजे ने चैलेंज नहीं किया किसी को, और अगर वो जिंदगी जिसमें हर बुए तो होते ही दुश्मन है भी मेरे ख्याल में डंगर जिंदगी है, ये भी कोई फायदा नहीं है, हर जगह ही तू अजीब तेरी शख्सियत है कि लोग तुझसे चिड़ खा जाते हैं। जिंदगी वो है जहां दुश्मनियां भी होती हैं, दोस्त भी होती हैं और एंड में दुश्मन भी, वराइता ना सैयद खुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, तेरी फौज का हिस्सा बनता है दुश्मन भी। जिंदगी वो होती है कि जहां तेरी जीत के ऊपर भी तेरा दुश्मन कहे यार क्या इस पट्टे का बंदा था जीतना यहां पर, और जिंदगी वो होती है जिसमें दुश्मन तुझे हराने के बाद भी कहे बंदे को तो मैंने गिरा दिया है लेकिन जीत वही डिजर्व करता था, पट्टा वही मजबूत था। इतना कहते हैं अपने दुश्मनों को इतना हार्ड टाइम दे कि उनकी कलेजों से चीख निकल जाए कि हमने वाकई कोई शेर, या शेर से हारे हैं या शेर को हराया है, दोनों हालत के अंदर शेर की तादीम होती है, बंदे की तादीम नहीं होती। सवाल ये है शेर बनो क्योंकि उसकी हार भी सिंबॉलिक होती है, उसकी जीत भी सिंबॉलिक होती है, मिसाल गीदड़ की नहीं शेर की दी जाती है, मगर ये कलेजे चाहिए इन कामों को करने के लिए, वो जिगर चाहिए इन कामों को करने के लिए, और ये छोटी सोचों के साथ नहीं बनता, ये 2 रुपए के झगड़ों के ऊपर नहीं बनता, ये 2 रुपए के मसाइल पे नहीं बनता, ये ठन्नी चवनियों के मसले नहीं है, ये तो अपनी आप को जलाने और बर्बाद करने का सिलसिला है, तब जाके बीज उगता है। बहादुर शाह जफर कहते हैं कि हर किसी को पेड़ और पौधा और फल बनने का शौक है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी फ्रूट्स एंड एप्पल्स, हर आदमी बनना चाहता है कि मैं फूल और फल बन जाऊं, लेकिन हम तो वो खाद बनने का कहते हैं, वो बीज बनने का कहते हैं जो जमीन में दफन करता है अपने आप, गुमनाम हो जाता है। लोग आते हैं और फलों की तारीफें कर रहे होते हैं लेकिन वो बीज दफन करता है अपने आप को, गुमनाम होता है मिट्टी के नीचे, कोई उसके दुखों को नहीं जानता, कोई उसकी तन्हाइयों को नहीं जानता, और वो जमीन से जंगे लड़के उस बीज को अपने आप को फाड़ के एक दरख्त बनाता है, सारा जिहाद वो बीज करता है और सारे फायदे कौम के फल पौधे उठाते हैं, तारीफें सेब और फल और फूल ले जाते हैं, बीज को लोग भूल जाते हैं, लेकिन असल बुनियाद बीज होती है। बीज बनना इस उम्मत का बेटा, इस कौम के अपने विजन का, अपनी कंपनी का, अपने खानदानों का बीज बनना कि तुम्हारी बुनियादों के ऊपर नस्लें जमा हो, नस्लें खड़ी हो, फल फूल लगे तुम्हें, और उन्हीं दरख्तों को फल लगता है जिनमें आजी होती है, जो झुके हुए होते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो अपनी नफ्स से आजाद होके कौम के जमीतर बेनिफिट के ऊपर अपने तकब्बुर की कुर्बानी देता है, अपनी मैं की कुर्बानी देता है, अपनी मिजाज की कुर्बानी देता है, अपने वक्त की कुर्बानी देता है, बगैर मफादात के खड़ा होता है, बीमारियों में लड़ता है अपने ख्वाबों के लिए, ऐसे लोग जाके फिर जाके कई परसेंट का चेंज आता है, और ये करते रहना होता है, करते रहना होता है, इस हद तक कि आपको पता भी नहीं होता कि आपका नाम किन किन महफिलों में और किन सितारों और अफलाक के ऊपर चला जाता है। तो ये शोहरत के लिए लोगों को झुकाने
کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو تھلے لگانے کے لیے انسان خواب نہیں دیکھتا. امپاورمنٹس ہوتی ہیں جب انسان کام کرتا ہے اپنی نفس سے آزاد ہو کے. جو انسان کام کرتا ہے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے لیے بھی کرتا ہے، لیکن اس میں آپ کو علمی مسل بھی چاہیے اور اس میں آپ کو عملی مسل بھی چاہیے. اس میں آپ کو نیت بھی چاہیے، ارادہ بھی چاہیے، قصد بھی چاہیے، نتیجہ بھی چاہیے، محاسبہ بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، یقین بھی چاہیے، صبر بھی چاہیے، دوام بھی چاہیے، سیاست بھی چاہیے. اس لیے اگر آپ اس کے اوپر آج کام کرنا نہیں شروع کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 20-15 سالوں کے بعد جہاں بھی زندگی کھڑی ہوگی نا، وہ فیصلہ آپ کا ہوگا. جو بھی انسان کچھ ہے نا، اللہ پر بلیم نہیں کرنا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان کی زندگی جہاں بھی کھڑی ہے وہ اس کا کیا ہے. کئی سنی بات میں کوئی غلطی ہوگی تو ساری میری تھی. کوئی حق اگر ہم نے قوم کے لیے بیان کیا وہ قوم کا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک معنی زندگی عطا فرمائے، ایک کامیاب لیڈر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.